हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पूरे दिन का रूटीन, मॉर्निंग 6 o'clock टू नाइट 9 or 10:30 PM विद माई 14 months टॉडलर। वाई अभी 14 months का, 15 months उसका रनिंग है, कंप्लीट होने वाला है कुछ ही दिनों में, और उसने चलने की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है 14 months में। मॉर्निंग में उठते ही मेरा सबसे पहले का काम होता है गर्म पानी पीना लेमन डाल के, और अभी 6:30 के आसपास टाइम हो रहा है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तो मैंने यहाँ पे आलू सीटी मारने रख दिया है, क्योंकि आज का हमारा प्लान है मॉर्निंग में आलू पूरी बनाने का। और यहाँ पे मैं फ्रेश होके आ गई हूँ काफ़ी दिनों बाद, 1 या 2 महीने बाद हम आज आलू पूरी खाने वाले हैं, क्योंकि हम ओकेजनली पूरी बनाते हैं। वायु को अब हमने स्टार्ट कर दिया है पूरा प्रॉपर हमारा खाना देना ही। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चे काफ़ी मूडी होते हैं, हम जो खा रहे हैं वो नहीं खा रहे होते हैं, तो उसके बाद मैं उसके लिए ओट्स वगैरह, सबसे जल्दी जो है ओट्स बन जाता है, ओट्स वगैरह मैं बना देती हूँ। अभी वायु सोया हुआ, जब तक ये सोता है मैं सोचती हूँ मेरा काम, जितना काम हो जाए जल्दी से जल्दी मैं उतना कर लूँ। तब तक मैं आलू मेरे बॉयल वगैरह हो गए थे फ्रेश होने के आने के बाद, यहाँ पर मैं आलू चढ़ा रही हूँ। उसमें मैंने जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का मारा है, साउथ इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ये इस ऐसे बना के भी। उसके बाद प्याज वगैरह ले लिया, और साउथ इंडियन खाने में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ये लोग प्याज को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाते, जैसे हमारे नॉर्थ में ज़्यादा देर तक उसको पकाते हैं, फ्राइड स्टीर फ्राई करते हैं, बट ऐसे भी इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि प्याज की जो उसमें स्वीटनेस है वो ऐड हो जाती है करी में। तो सब कुछ पकाने के बाद हल्दी धनिया टमाटर मिर्ची ऐड करने के बाद इसको मैंने आलू ऐड कर दिया, बॉयल आलू, और हल्का सा मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। और तब तक फटाफट से मैं यहाँ थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्लीनिंग करते ही इतना सा मेरा काम हुआ था और वायु जो है उठ गया था। Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top, we're gonna be. Abhi baj gaye hain 8:20. मॉर्निंग में कितने ही जल्दी उठ जाओ, कितने ही जल्दी काम कर लो, 9:30 तो ब्रेकफास्ट करने में होना ही होना है। मैंने पूरियां तली उसके बाद, और अपने गार्डन का लेमन ग्रास तोड़ के उसकी चाय बनाई, और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ। उसके बाद वायु भी देखते हैं कितनी पूरी खाता है, नहीं खाएगा तो मैं इसके लिए ओट्स वगैरह बनाऊंगी।
अभी हो गया 9:30, ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। वायु को मैं छत में लेके आई हूँ धूप सेकने के लिए, और अपना भी थोड़ा सा पूरी आज खा ली है। हैवी वैसे हम खाते नहीं हैं, एग्जैक्ट 1 महीने 2 महीने बाद हमने खाया हुआ है, तो और भी हैवी लग रहा है। इसके बाद मैं थोड़ी देर वायु को लेके जाती हूँ छत में, और वहाँ पे ये खेलता है और धूप सेक लेते हैं हम दोनों ही, क्योंकि अंदर तो इतनी धूप आती नहीं है। और आज वायु का मूड बिल्कुल भी नहीं था चलने की प्रैक्टिस करने का, इसलिए वो मेरे को रो रो के चल रहा है मुझे पकड़ पकड़ के, नहीं तो हाथ छोड़ के भी चल लेता है। अभी छत में खेलने के बाद भी काफ़ी वायु थक जाता है तो नैप लेता है। अब उसका स्लीपिंग पैटर्न जो है चेंज हो गया है बिल्कुल, पहले तो 2 या 3 बार सोता था वो रात से पहले, बट अब कभी 1 बार या फिर मैक्सिमम 2 बार सोता है, उसके बाद डायरेक्ट वो रात को ही सोता है। लेकिन अब एक चीज़ अच्छी हो गई है कि अब वो 2 घंटे लगातार सो जाता है, तो मैं लगातार अपने जो भी काम है वो कर लेती हूँ। आज छत में बहुत हवा चल रही है इसलिए मैं आ गई, और वायु ने ज़्यादा पूरी खाई नहीं है और ये मुझे ओट्स बनाने का भी टाइम नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसको केला खिला रही हूँ। हाँ मैं खिला रही हूँ, और इसके बाद इसका थोड़ा सा पेट भर जाएगा, फिर देखते हैं, फिर मैं इसके लिए ओट्स बना दूँगी। देखो कितना भूखा है। चेयर से यहाँ चढ़ गया ये और इसने सारा मेरा वायु। एक काम मेरा और बढ़ा दिया इसने, मेरी हालत ऐसी हो गई है मैं अपना काम करने जाऊंगी तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। वायु अभी ले रहा है थोड़ी सी नैप, 1 घंटे की नैप वो लेगा, तब तक मैं फटाफट से अपना लंच बना लेती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने धो के सुखा लिए हैं, वॉशिंग मशीन में धोना भी डेली पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं पजामे, जब मैं अब डायपर फ्री रखती हूँ, जब भी मैं घर में रहती हूँ, बाहर रहती हूँ तो डायपर पहनाती हूँ, तो वो पजामों के लिए मुझे समझ में नहीं आता वॉशिंग मशीन क्यों चलानी है क्या चलानी है, थोड़े से छोटे से तो कपड़े हैं तो मैं उनको हाथ से ही धो लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है बट करना पड़ता है। उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और लंच में आज मैं बना रही हूँ पुदीना राइस, क्योंकि मैं आज दाल वगैरह कुछ भी नहीं बना रही हूँ, आज मॉर्निंग में हमने थोड़ा सा हैवी खा लिया है तो फिर अब मैं सोच रही हूँ लाइट ही बनाऊँ। पुदीना राइस साउथ इंडियन राइस, साउथ इंडिया में काफ़ी बनता है यहाँ पे, और डाइजेशन के लिए भी ठीक होता है। उसके साथ मैं बना रही हूँ रायता, मैंने सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए, और ये रायता वायु को भी बहुत पसंद है क्योंकि दही तो वैसे ही पसंद होता है, और इसमें जब मैं ये चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट डालती हूँ उसके बाद वो काफ़ी खा लेता है, इसको अच्छा लगता है उसको। और पुदीना राइस भी मैं उसको खिलाने वाली हूँ। और यहाँ पे प्याज टमाटर जीरा का तड़का लगाने के बाद मैंने मूंगफली थोड़ी सी डाली है, साउथ इंडिया डिश में मूंगफली पक्का डलती है। और उसके बाद प्याज पकाया थोड़ा सा और काजू डाले उसमें, टमाटर डाला, ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जो मैंने पुदीना काटा था वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद नमक हल्दी धनिया गरम मसाला सब ऐड करके मैं चावल ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। वायु का फर्स्ट टाइम है पुदीना राइस, इसलिए मैंने साथ में कैप्सिकम ओट्स भी बना दिया, वो उसको बहुत पसंद है कैप्सिकम ओट्स, मतलब मैंने भी टेस्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है वो जैसे हम मैगी खाते हैं मैगी का टेस्ट आता है, इसलिए मैं उसके लिए 2 ऑप्शन रख रही हूँ आज।
नाइट हो गई है और नाइट में हमारा आज का प्लान है चिकन बनाने का। तो हस्बैंड यहाँ पे चिकन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अलग ही स्टाइल में बना रहे हैं। और वायु को भी हम चिकन खिलाने वाले हैं आज। कौन सा आज का नया स्टाइल है? टमाटर भी पीस रहे हो? तुम क्या बना रहे हो आज? क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आज चिकन के साथ? पता नहीं मुझे भी। यहाँ रखा है धनिया, धनिया डाल दिया। इसमें बना रहे हो कि कुकर में बना रहे हो? इसमें। यहाँ जो है हर वीक अलग अलग टाइप के चिकन बनते हैं, आज कुछ अलग ही बन रहा है। मैंने आज तक देखा नहीं है कैसा क्या बनने वाला है। और वायु भी, हम वायु को भी देने वाले हैं आज। क्यों? थोड़ा सा बटर डाल दिया मैंने। इसमें भर भर के काजू डाल दिए, प्याज टमाटर और मिर्ची डाल दी, और क्या डाल दिया, बटर भी डाल दिया इसमें। अब इसको ग्राइंड करने वाले हैं। ये बन रहा है कुछ अलग सा। जब तक डिनर बन रहा था मैं वायु के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। उसको मैंने न्यू टूथपेस्ट लिया था उसके लिए, उसको मैं दिखा रही थी। मैंने सोचा वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसको ऑलरेडी थूकना आता है, इसीलिए जैसे हम उसको बोलते हैं थूक कर दे तो उसको थूकना आता है, इसलिए हमने मंगा दिया, ऑर्डर कर दिया। यहाँ नहीं थूकना है। हम लोग को ब्रश करते हुए दिखता है तो वो भी काफी एक्साइटेड है ब्रश करने के लिए। यहाँ थूकते हैं, वॉश बेसिन में थूकते हैं बाबा। तो अब जब भी हम चिकन फिश वगैरह खाते हैं तो हम वायु को भी थोड़ा सा खिला देते हैं, बिल्कुल हाथ से मैश करके अच्छे से उसको पका के हम खिलाते, क्योंकि बाइट तो करते नहीं है बच्चे ज़्यादा। और ये चिकन काफ़ी अच्छा हो रहा था और इसकी रेसिपी एकदम अलग ही बनाई हुई थी हस्बैंड ने, मतलब कि ऐसा मैंने बना हुआ देखा नहीं था आज तक। आज इतना बढ़िया चिकन बना था, रेस्टोरेंट की याद आ गई। रेस्टोरेंट के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं ना, तो अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.